तेजी से बोलिए आपका नाम बेटा, स्कूल का नहीं, नाम बताओ आपका नाम। हाँ आओ जोर से। राधिका पटेल। आपका नाम क्या है? विदुषा शर्मा। आपका नाम? आराधना पटेल। आराधना पटेल। आपका नाम? आपका? पटेल। किस स्कूल में पढ़ती हो? थोड़ा साफ बोलो, पहले तेज बोलना सीखो। किस स्कूल में पढ़ती हो? शिक्षा निकेतन। तुम लोग कहाँ पढ़ते हो? वेरी गुड। आपके देश के मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? आपके देश का क्या नाम है? आप लोग नहीं बताइए। आपके देश का क्या नाम है? किसी देश में रहती हो? ये दो के बच्चे हैं जो आप प्राइवेट वाले में डाली है ना बेटा। किस देश में रहते हो? भारत के प्रधानमंत्री जानती हो? भारत के प्रधानमंत्री जानती हो? कौन है प्रधानमंत्री? गुड। क्या है? गुड। भारत में कुल कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? डरने की जरूरत नहीं है सर, आ जाओ। वो बात नहीं है, बस हम ये दिखा रहे हैं आपकी मम्मी को, आपकी मम्मी को हम ये दिखाना चाह रहे हैं बेटा कि कहाँ जा रहे हो आप और क्या, मतलब बेसिक चीज। बच्चे को अपना देश नहीं पता, बात समझ नहीं, राज्य नहीं पता, मुख्यमंत्री नहीं पता, बेसिक बेसिक चीजें पूछ रहे हैं, है ना। अभी हम बाकी पढ़ाई का शुरू कर दे। वॉवल तुमको पता है? वॉवल बताओ। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ। वॉवल कितने होते हैं? वॉवल कितने होते हैं बेटा? वॉवल जानती हो? वॉवल नाम सुना कभी? एबीसीडी पढ़े हो? बता देना, नहीं जानता। एबीसीडी पढ़े हो? अच्छा बता दो, एबीसीडी पढ़े हो? चलो अच्छा, एबीसीडी पढ़े हो, सुनाओ एबीसीडी। तेज से बोलना, तेज से, तेज से, तेज से। अरे बस, वेरी गुड। लेकिन अब मुझे बताओ वॉवल, आप दो में हो, आपसे एबीसीडी की उम्मीद नहीं है? हमको तो आपसे वॉवल की उम्मीद है, आप तो प्राइवेट स्कूल पढ़ते हो ना। कितने होते हैं? अच्छा ये पता है तुम लोग को? पता है वॉवल कितने होते हैं? कौन कौन से? वेरी गुड। वॉवल नहीं पता, जो बहुत बेसिक चीज है। पैसा बर्बाद है आप लोग, आपके सामने इसीलिए हम कंपटीशन करा दिया। आज बच्चे मेरे साथ है, रोज जनरली हम अकेले नहीं करते, बच्चों को हम गांव गांव टहराना पसंद नहीं करते हैं। आप खुद देखिए, बेसिक बेसिक चीज पूछ रहे हैं, कोई बहुत कठिन हम साइंस मैथ्स नहीं पूछ ले कि बच्चा ना कर पाए। अच्छा दो और तीन को जोड़ेंगे क्या आएगा बेटा? दो और तीन को जोड़ लेते हो। अच्छा थ्री की स्पेलिंग सुना दो। चलो थ्री की स्पेलिंग आती है? हाँ गुड, वेरी गुड। सेवन की? आप लोग देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये चीज इन लोगों को भी जो ये बता दी छोटी का नाम बताओ। अच्छा चलो हाँ बता दो। राष्ट्रीय पक्षी? भारत का राष्ट्रीय पक्षी पता है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पशु? राष्ट्रीय पशु पशु माने जानवर। राष्ट्रीय जानवर क्या है? पशु। राष्ट्रीय पुष्प? ये बेसिक चीज है। अभी ये दो वाले बच्चे हैं, अभी तीन चार पांच के थे तो अभी ये दो पास कर चुके, ये भी दो पास कर चुके हैं। अब तीन में जाएंगे। अब आप खुद देख लीजिए, बेसिक चीजें हो रही हैं, कोई एक्स्ट्रा मतलब अलग से कुछ नहीं बता रही। ये उत्तर प्रदेश के 18 मंडल है बच्चे को रटे हुए हैं। ऐसी न जाने कितनी चीजें जीके बच्चों को याद है। जीके बोल दो, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? छोटे बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 302। वेरी गुड। 300 की 302? 300। कितनी होती है? 300। ये बेसिक बेसिक चीज है। ऐसा कौन सा अंग है जो मृत्यु के बाद भी बढ़ता रहता है? नाखून बाल। अच्छा पौधे खाना कैसे बनाते हैं? दो के बच्चे बता रहे हैं, ये पांच में गया, ये दो के बच्चे बता रहे हैं, देख लीजिए हमारे ब्लड में क्या ऐसा अपेक्षित नहीं था, चूंकि ये मॉर्निंग में प्रार्थना के बाद सारे बच्चों के एक साथ पढ़ाई जाती है।
ठीक है, जो बच्चे कैच कर लिए वो अच्छी बात है, पाँच चार पाँच के बच्चों को वो क्लास में भी पढ़ाई जाती है। तो देख लीजिए आप, अंतर आपके सामने है, हमको बताना नहीं है। ये प्राइमरी स्कूल पहले नहीं कि माँ पच्चीस से टीचर बैठी है, बच्चे यार खड़े जो ने एजी के यार पच्चीस जी के नहीं इंग्लिश बात समझ रही है ना, तो उनके इतने बच्चे हैं कि उनको पढ़ाने का बिल्कुल फुर्सत नहीं है। ये दो बच्ची है और पिछले साल इसके मुंह से जवान नहीं निकलती थी, आज दिन कितने अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसा ही नहीं कि हम तेज बच्चों को पकड़ के आपको हम टेस्ट दिलवा दे रहे हैं, देख रही है ना, घर इनका जानती है ना, माँ बाप को जानती है ना। नहीं नहीं हम नहीं जानते, रमाकांत ही बगल में बना हुआ ना घर जो है। हाँ होगा, हम जाते जाते नहीं है तो ये जान तो रही है, सुनती तो होंगी ना कितनी लड़कियाँ हैं, कितने क्या है सब कुछ घर परिवार, ठीक है ना मैडम जी। घर जाइए, ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप बिल्कुल नहीं छूते हैं घर में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तेज बच्चों को पकड़ के हम पढ़ा रहे हैं, बाकी गधे बच्चे गधे रह जाए, मानसिक रूप से जो कमजोर है वो नहीं पढ़ पा रहे उनको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। एक एक बच्चे पे हमारे सभी अध्यापक पूरा ध्यान देते हैं, बात समझ आ रहा है ना। आज यही कंपटीशन इसी लगा दिए कि सब लोग देखिए और आगे भी बताइए आप लोग, क्योंकि ये इतना टाइम अगर हम यहाँ आप लोग के साथ एक एक व्यक्ति के साथ वेस्ट करेंगे तो मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, है ना। तो अपनी ये बातें गांव में फैलाई कि आपके गांव में एक ऐसा स्कूल तैयार हो चुका है जहां पे पैसा बर्बाद करने की आपको प्राइवेट में कोई जरूरत नहीं है। आज समझ आ रही है ना आप लोगों को। बुआ जी आइए सामने, दीदी है। अरे नहीं बच्चे बच्चे कंचन मैम, कंचन मैम पीछे। अच्छा बहन तो वही दीदी हुई ना, बुआ नहीं तो दीदी होंगी। राजपाल है, इनकी राइटिंग इतनी सुंदर, इतना तेज, प्राइवेट में गई इतनी गंदी राइटिंग हो गई। यही नाम लिखा था, उसके बाद मम्मी बड़ा सोची प्राइवेट में ज्यादा अच्छा पढ़ ले जाएगा बच्चा, मेरा 30 मार्का बन जाएगा। भैया जब वापस आए राइटिंग बर्बाद, जो पढ़ाई थी मैडम वो भी गोल। इनको जो है तीन नंबर चार नंबर पाए, तीन नंबर चार नंबर पच्चीस से तीन चार नंबर पाए, हम भी वही से दे दिए चार पाँच। तो ये आप लोग थोड़ा सा बातों को पहुँचाइए और बच्चों से बोलिए कि पेरेंट्स से बोलिए कि बच्चों का भविष्य चौपट ना करें, है ना। जब कोई चीज फ्री में अच्छा मिल रहा है, बेस्ट मिल रहा है, तो क्या जरूरत है पैसा बर्बाद करने का, उसको बच्चों के खान पान में पढ़ने और बाकी चीजों में खर्च कर दीजिए, ठीक है। बच्चे में आगे यहाँ लिखवाइए, यहाँ लिखवाइए। कोई एक बार बात करे थे ना, एक बार स्कूल में बात करे थे तो इनका मतलब आधार नहीं बना था। कोई बात नहीं, मतलब बोले कि आधार लेकर आओ, आधार नहीं, जन्म प्रमाण पत्र होगा या टीका का तो नहीं, आधार मैम जी बाद में बनवाए, बन गया। हाँ। तो लेके आइए, अब आप खुद देख लीजिए सामने का सबूत है, मतलब कमजोर बच्चा भी है, तेज बच्चा का सबसे कंपटीशन हुआ है आपके बच्चे, ठीक है, है ना। तो फालतू पैसा का है, ज्यादा उधर मत दे दीजिए। बात समझ में आ रही है ना, आप लोग भी करिए। 1 अप्रैल है, नामांकन शुरू हो गया, प्रवेश विद्यालय में उपस्थित है, बैनर लगा हुआ है आपके कोटेदार के घर के सामने स्कूल में, और जो जो सुविधाएं हैं फोटो सहित उसमें लगी हुई है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, चले।